अगर किसी को रियल इंडिया सही हिंदुस्तान देखना है तो मैं पूरे दुनिया से कहूंगा कि वो अजमल फाउंडेशन आए और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से मिले। एक आलिम दीन, एक स्कॉलर, इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं और उस इंस्टीट्यूशन से एक नॉन मुस्लिम, एक हिंदू लड़का अमन सिंह स्टेट फर्स्ट रैंक ले आता है। दिस इज इंडिया, दिस इज मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, दिस इज सेक्युलरिज्म। और उस बच्चे को अजमल फाउंडेशन का हर बंदा गोद में उठाकर सेलिब्रेट करता है और पूरे आसाम में सेलिब्रेशन होता है। ये बदरुद्दीन अजमल साहब है। ये ऐसे पॉलिटिशियन है जिसमें जो नैक्स, जो ट्रिक्स डिसीव करने के होते हैं वो बिल्कुल मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब में नहीं है। वो है ज़रूर पॉलिटिशियन, उससे बड़ा मैं उन्हें एजुकेशनिस्ट देखता हूँ। वो है ज़रूर एजुकेशनिस्ट, उससे बड़ा मैं सोशल एक्टिविस्ट देखता हूँ। वो है ज़रूर सोशल एक्टिविस्ट, उससे बड़े मैं उन्हें फिलान्थ्रोपिस्ट देखता हूँ। वो है एजुकेशनिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, फिलान्थ्रोपिस्ट, पॉलिटिशियन, उससे भी बड़ा मैं एक अच्छा इंसान उनमें देखता हूँ। और मैं फख्र करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे इंसान से अल्लाह ने मुझे मिलाया है। और इस मोमेंटस ओकेशन से मैं रब से, मेरे अल्लाह से शुक्रिया अदा करता हूँ कि या अल्लाह आपने मुझे बदरुद्दीन अजमल साहब से मिलाया है। मेरा एसेट अच्छे लोगों से मिलना है और यही मेरी दौलत है, यही मेरी ताकत है, यही मेरी खुशी है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द वंडरफुल फाउंडेशन, दैट इज अजमल फाउंडेशन।